ओके जब भी अपन पर्टिकुलर सबसे पहले अभी जब एग्जाम की बात आई है तो ये देखो कि ये एग्जाम कहाँ स्टैंड करते हैं तुम्हारे लाइफ में, सीए फाइनल एंड इंटर। तुम्हारे लाइफ के बचपन से जिस चीज के लिए मरमर मरमर करके इधर तक पहुंचे हो, इसके बाद एग्जाम देने की जरूरत नहीं। दीज आर योर सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल फाउंडेशन को हो गए, फाइनल तो सीए फाइनल ही है। जब तुम बचपन से जिस चीज को हेट करते हैं ना, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, कितना प्रेशर ये सब चीजों का, तो इट इज अबाउट टू एंड। बस तुम्हारे लाइफ में बाद में कभी एग्जाम देने की बात ही नहीं छिड़ी जाएगी। इंटर, दैट्स इट, इंटर सेमीफाइनल। तो अगर सेमीफाइनल में आए हो तो खेलो भी उस तरीके से कि सेमीफाइनल जैसा प्रेशर फील होना चाहिए, और जब तक प्रेशर फील नहीं होता मजा भी नहीं आता है। नहीं तो आई और गई बीकॉम एग्जाम थोड़ी है, ठीक है। सो फर्स्ट ये रियलाइज करो इस पर्टिकुलर एग्जाम का तुम्हारे लाइफ में कहाँ पे इंपॉर्टेंस स्टैंड करता है। अब ये इंपॉर्टेंस कहाँ पे स्टैंड करता है, इस चीज के लिए ना तुम पहले तुम्हारा रेज्यूमे बनाओ। रेज्यूमे में क्या लिखेंगे, नाम एड्रेस वगैरह ये सब। नाम पप्पा ने दिया वाला, एड्रेस पप्पा के घर का, फोन नंबर खुद का नहीं है, पप्पा रिचार्ज मार रहे। तो तुम्हारा इसके अंदर खुद का क्या है, 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, फाउंडेशन, इंटर, अपियर्ड। सो बेसिकली तुम जिंदगी में अभी सब 3 लाइन ही रेज्यूमे के फिल कर रहे हो, सिर्फ 3 लाइन। बाकी जो भी लिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव ये वो स्किल, सिर्फ फालतूगिरी है। रेज्यूमे आने के बाद सामने वाला सिर्फ तुम्हारे दो चीजें देखेगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड यू आर इन। ये सिर्फ तुम्हारे लाइफ में 4 ही कॉलम फिल करने हैं, उसमें के 5 कॉलम फिल करने हैं, 11वीं, 12वीं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। दो तीन तो फिल हो चुके हैं, एक फिल होना है, और वहां पे सिर्फ ये होना चाहिए, ईयर, मार्क्स, मार्क्स तुम्हारी इच्छा है तो, नहीं तो पास, रैंक। यू आर जस्ट फिलिंग इन टू दैट बॉक्स, और ये तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट होने वाली है। क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी टेक्स एन एफर्ट्स। अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं स्टेज पे बुलाया और बोलो कि गिव योर इंट्रोडक्शन, बीसीए मैंने की थी और भी जगह पे, गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर टिल डेट इंट्रोडक्शन, ये मेरा नाम है, ये मैं पढ़ता हूँ और इतना है, दैट्स इट। इससे कुछ भी कम या ज्यादा इज एक्सेस, या तुम उसको जबरदस्ती फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो। सो मेक श्योर योर इंट्रोडक्शन स्टैंड आउट। वहां पे लिख रहे हो एट दिस अटेम्प्ट फेल, दिस अटेम्प्ट पास, दिस अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप, दिस अटेम्प्ट सेकेंड ग्रुप। और ये गलती से भी मत सोचो कि रेज्यूमे में ये नहीं लिखना पड़ता, रेज्यूमे में लिखना पड़ता है कितने अटेम्प्ट गए। सामने वाला कैलकुलेट करता है फाउंडेशन किस अटेम्प्ट में पास हुए और इंटर किस अटेम्प्ट में पास हुए, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अज्यूम यू आर फेल, ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू प्रूफ, कुछ नहीं है। सो ये चीज की गरिमा समझो कि तुम क्या करने जा रहे हो, कि फिलहाल तुम तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट करने को जा रहे हो। मेक श्योर ये बेस्ट बने। एक आधी चीज का माहौल बनाना पड़ता है ना, कि एक दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, वीकली टेस्ट दिए, मार्क्स आए, आउट ऑफ आए, क्या करेंगे, क्या सेलिब्रेशन करेंगे? ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स को बताएंगे आउट ऑफ आए, वो भी देखेंगे, छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, क्लास में देते समय 2 मिनट टाइट फीलिंग आएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ पता है? क्योंकि उस चीज के लिए तुम्हारे एफर्ट्स भी कम थे एंड तुमने उसको वैल्यू भी कम दिया था। बट ये चीज ध्यान में रखो कि एक आधे चीज का, एक आधे रिजल्ट का तुम्हारे लाइफ में कितना अहमियत होता है, उस हिसाब से उसके एफर्ट्स भी उस हिसाब से होने चाहिए। जब तक उसका माहौल उस तरीके से क्रिएट नहीं होता है, तब तक वो सक्सेस का मजा भी नहीं आता है। एक सक्सेस स्टोरी बताओ जिसके अंदर उसने कुछ लूज नहीं किया हो, उसके अंदर उसने स्ट्रगल नहीं किया हो, ऐसा एक रैंकर बताओ। कुछ नहीं, आराम से पढ़ लिया, हो गया, रैंक आ गया, ऐसा नहीं होता है।
जानबूझ के मैंने सुयशा का वो इंटरव्यू जानबूझ के तुम्हारे क्लास के सामने ऐसा करने लगाया, टू जस्ट गिव अ ग्लिम्स कि अगर रैंक आते हैं तो पूरा बीसीए किस सेवा में लग जाएगा। वो तो फाइनल में थी, अपनी बच्ची थी 11वीं से इंटर तक, इसलिए तक है। इमेजिन करो इंटर में आएंगे तो मैं बैंड बाजा लेके तुम्हारे घर पे आऊंगा नाचने के लिए, एंड टेक माय वर्ड्स, पूरा बैंड बाजा लेके आऊंगा उधर, फटाके विटाके उसके घर पे भी फोड़े तुम्हारे, तो सर ऐसा बनाएंगे कि तुम्हारे घर पे दिवाली चल रही है, पूरे गली को समझ में आना चाहिए कि बच्चा रैंक आया है, ये मेरी गारंटी है। माहौल ऐसा सेट करके दूंगा मैं। बट वो चीज, वो दिन, वो पल पाने के लिए जितने एफर्ट देने, वो ये 3 महीने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, एंड मेक श्योर दैट इट वर्थ इट, इट्स पेनी एवरी डे, एवरी मोमेंट यू शुड लिव फॉर दैट मोमेंट। एंड सीक्रेट जो देखोगे ना वही पाने की कोशिश करोगे। घर पे जाके सबसे पहला आज क्या काम करना है, तुम्हारे एक पेज के ऊपर लिखने का है फ्यूचर सीए, तुम्हारा नाम सीए शिव कुमार प्रकाश अरोरा, और ऊपर तुमको फ्यूचर लिखने का है, उसकी फोटो खींचनी है मोबाइल का, लैपटॉप का, हर जो चीज जहां जहां पे तुम्हारी नजर जाती है हर जगह, स्टडी टेबल बैठ रहे सामने चिपक के रहना चाहिए, सीए और तुम्हारा नाम दिखना चाहिए। और ये चीज है ना, जब देखेंगे ना तब फील होगा। जब बैच शुरू हुई मैंने कलर प्रिंट आउट दी थी मार्कशीट की, जिसके अंदर मार्क्स तुमको फील करने को दिया था, द करेक्ट टाइम टू वो निकालो, तुम्हारे स्टडी टेबल के सामने रखो। मेरे आईपीसीसी के टाइम, फाइनल के टाइम मैंने जो स्कोर लिखा था ना, जो स्कोर मैंने पढ़ने के टाइम पे लिखा था, जस्ट उसे 4 मार्क कम है मेरे को, जो दिखता था वही नंबर के आसपास तुम आएंगे, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स उस तरीके से तुमको लेके जाएंगे, वो नंबर तुम्हारी तरफ दिखना चाहिए। हर सब्जेक्ट के एक मार्क्स होना चाहिए, पढ़ाई करते समय हर चीज के टाइम वो नंबर लिखो, जितने बार वो नंबर लिखेंगे उतना कन्विक्शन आएगा। वो चीज का देखो कि वो सबसे पहले ना एक इमेज क्रिएट करो कि फॉर व्हाट यू आर गोना टू डू दिस। मेरे लिए वो रिजल्ट डे था, इमेजिन योर रिजल्ट डे, हाउ इट इज गोना टू बी, हाउ यू आर गोना टू वॉच इट, हाउ यू गोना टू सेलिब्रेट इट, कैसा तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम फर्स्ट टाइम रिवील करेंगे, फ्रेंड्स फैमिली के साथ रिवील करेंगे, वो दिन इमेजिन करो, पूरा दिन जियो, 5 मिनट उस दिन को जियो प्रॉपर। और उस दिन को जब जो चीज अपनी ड्रीम होती है ना, उसका इच एंड एवरी डिटेल्ड आता है, तुमको हंसना आएगा। माई फर्स्ट बाइक आफ्टर बिकमिंग अ सीए वाज करिश्मा, मेरे को बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं होती थी, अभी के बाद जाओ सीए बनने के बाद मेरी फोटो बीसीए पे ऑफिस में टंगी रहेंगे, पर मेरे को शौक था। मैं जब भी वो कॉलेज लाइफ जिया ना, मेरे को लगता था कि लाइफ में एक तो भी स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। पूरी फैमिली बोली तेरे को नहीं सूट होते, मतलब फर्क नहीं पड़ता, मेरी आइपत है, मैं उसको लायक बनता, मेरे पैसा बैंक बैलेंस इतना है कि मैं खरीद सकता हूँ, खरीद लिया। कुछ भी ड्रीम्स है ना, बकेट लिस्ट बना लो, और बकेट लिस्ट को इतना डिटेल में सजाओ, इतना डिटेल में सजाओ कि द मोमेंट यू आर एबल टू अचीव इट, यू शुड एबल टू अचीव इट इन अ प्रॉपर मैनर, यू शुड बी सेलिब्रेटेड। तो मेरे को था ऐसा कि मेरे को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ले लिया। इमेजिन करो मैं 10 दिन पुणे आफ्टर सीए दोस्तों के साथ रहने को गया, स्पोर्ट्स बाइक में रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को पुणे में भगानी थी वो बाइक, क्योंकि मैं वहां पे 6 साल रहा हूँ, जो जो प्लेस में दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था वो सब जगह पे उस बाइक पे घूम के आया मैं, क्योंकि मेरा वो ड्रीम था। उस तरीके से पूछो मैंने वो क्या क्या कांड किए, वाले वो बाइक को उधर जाके टुकड़े करे, एक्सीडेंट करे, बहुत कुछ करा, पर चाहिए थी को जो चीज जैसा इमेजिन किया था ना, हर चीज उस तरीके से। मेरे को था कि मेरे को कार चाहिए ऐसा प्रॉपर। मैं जिस दिन कार लिया, सूट पहन के गया मैं कार लेने के लिए, क्योंकि मेरे को वो इमेजिन था कि ऐसा कार का सीरियल में नहीं गया, दरवाजा ओपन करते ऐसे उतरते, उस टाइप में, प्रॉपर उस टाइप में। देखो गली वाले हंसे करे, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने वो चीज जीती वैसे ही। मेरे को पता था कि मैं एक दिन ऐसी कार लूंगा और उस तरीके से। और मजाक नहीं है, सीए इंटर के स्टूडेंट जनरली बीसीए फैकल्टी से बहुत क्लोज होते हैं, तो एक बैच थी, तो ऐसे ही सर पहले मेरे पापा की इंडिका विस्टा कार थी, मैं वो लेके आता था, तो सर इतना ओके ऐसी कार लेते हैं ऐसा ऐसा, मेरे को मजाक मजाक में बोली वो। हम लोग ऐसे ही नाश्ता करने को गए थे, मजाक मजाक में, मेरे को दिल को बहुत छुप गया। वहां से 7वें दिन कार खरीदा मैं, पहले गया ओएलएक्स पे, दूसरी हमारी कार बेचने को मम्मी को बोल दिया घर पे, ये कार अपने को नहीं चाहिए, ऑयल एक्सपे डाल दो। पापा को लगा ठीक है मजाक कर रहा। तीसरे दिन कार बेच दिया, उधर बुक किया,
नानेड़ के सब सीईओ को जो जो उनके ऑडिट करते उनको फोन घुमाया, अपने को अर्जेंट में होना। मेरे को जो मॉडल पसंद था वो मॉडल रेडी नहीं था, जो मॉडल रेडी है उसमें से जो पसंद है मैंने ले लिया। सातवें दिन घर पे, बैंक में बैलेंस था फिर भी मैंने फाइनेंस में लिया, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि बैंक फाइनेंस में होना चाहिए। 10 जगह लगता था, 2% इंटरेस्ट ज्यादा बैच पे उठाया मैंने, पर वो मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। सातवें दिन लिया। हमारे इसमें एक होता है पितरपाठ, उसमें नहीं लेते गाड़ी, तो वो गणपति के दिन होता है, फिर पितरपाठ आता है, फिर दशहरा आता है। दशहरा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस टाइम पे व्हीकल खरीदनी चाहिए, मेरे पास उतने पेशेंस ही नहीं थे। गणपति के दिनों में खरीदी वाली गाड़ी है, क्योंकि मेरे मम्मी ने बोला था कि उतना वेट कर फिर दशहरा पे लेके आएंगे, नहीं रुकना ही नहीं है अपने को, क्योंकि द मोमेंट आई हैव डिसाइडेड इफ यू हैव ऑल द थिंग्स डू इट, रुकना किस चीज के लिए। मैं कोई कैसा था कि सोलो यूरोप ट्रिप प्लान करना था, प्रॉपर बजट एवरीथिंग एवरीथिंग वाज प्लान्ड, सोलो ट्रिप पे जाना था, सिर्फ मम्मी ने कसम दी बोल के रुक गया, नहीं तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड आउट। तो मम्मी वाज लाइक मैं अकेले नहीं भेज सकती तेरे को किधर भी, बाकी क्या करने का है कर ले, घूमना है घूम ले। दोस्तों के साथ हर चीज गए, लेह लद्दाख हम लोग पूरे बाइक करके आए, घूम के आए वाले, मेरे कार के पीछे वो दिख रहा ना, वो दैट वॉज अ लेह लद्दाख का उधर का है वो। सो बकेट लिस्ट मेरी प्रॉपर बनी वाली थी, और जो बकेट लिस्ट जैसी है उसी तरीके से करूंगा, पैसा कितना भी जान दो कमाए कहीं के लिए। तो वो इस तरीके से तुम्हारा ड्रीम है ना, वो ड्रीम तुमको उस तरीके से जियो, पहले बैठे बैठे हर एक चीज उसमें की प्रॉपर पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए, और वो आज इमेजिन करो, एंड बिलीव मी द द सीक्रेट्स विल वर्क फॉर यू। और द मोमेंट उस दिन पे वो आएगा ना, वो दिन उसी तरीके से सेलिब्रेट करना, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बाजू वाला क्या सोच रहा है। हमारे गली वाले हंसे थे कि मैं जब स्पोर्ट्स बाइक लेके आया था, मम्मी बोली हंस रहे, मतलब मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे को कितना जानते हैं, मम्मी तू जानती ना, बस हो गया, मेरे को बाकी लोगों से लेन देन ही नहीं है, ये सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट ड्रीम्स इस बकेट लिस्ट बनाओ, और ये बकेट लिस्ट के अंदर ये पहला देखो कि तुमने इंटर का रिजल्ट और इंटर के एफर्ट्स किस तरीके से जिए हैं, और उस तरीके से उस चीज को प्रॉपरली प्रॉपरली उसको पेंट करो, वो दिन को विद डिटेल्स। बिलीव मी द मोमेंट यू फील डाउन इन 15 डेज 1 month after, और वो जब वापस आएंगे ना जिप, उस दिन में टेलीपैथी से तुम वहां पे पहुंच जाएंगे, और उस दिन के लिए तुम मोटिवेट करेंगे। जब भी पढ़ने का मन नहीं होता था ना, मैं दो ही क्वेश्चन पूछता था, दो ही क्वेश्चंस। पहला, ये चीज में और कितने बार पढ़ सकता हूं अभी नहीं तो, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो वापस से पूरा पढ़ना पड़ता, एंड आई एम नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट। मैं एक भी अटेम्प्ट नहीं हूं, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला वाला हूं, तो क्योंकि मेरा एकदम फिक्स था कि ये चीज अभी से नहीं पढ़ने होने वाली मेरे से, बार बार कौन पढ़ेगा, तो जो भी है एक ही अटेम्प्ट में निपटाना है। उसके लिए देखो, खांसी की दवा कितनी भी कड़वी रह दो, अगर उसको ग्लास के पानी में मिक्स करके घुल के एकदम गुट गुट पी रहे तो दर्द ही देगा। अटेम्प्ट्स आर लाइक दैट। इफ यू डोंट लाइक द स्टडी टाइम पीरियड, इफ यू डोंट लाइक दिस टाइम जोन, तो फिनिश इट फास्ट, आइदर 3 months और 9 months, डिसीजन यूअर्स। अगर अभी इस 3 महीने में नहीं किया ना, वापिस से 6 महीने यही चीजों के लिए देना है, तो यही चीज अगर वापस से और 6 महीना जीना है, तो 3 महीने में ही वो एफर्ट्स एक साथ डाल के क्यों नहीं। तो पहले तो इंपॉर्टेंस ला लो, ड्रीम पिक्चराइजेशन करो, जो भी तुमको स्कोर लगता है वो लिखो, मोबाइल लैपटॉप हर जगह वो दिखना चाहिए तुम्हारे, हर जगह दिखना चाहिए। क्रिएट अ मोमेंट एंड मेक अ कमिटमेंट टू योर बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारी उड़ा सकता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने स्कोर बोला था, मेरे को पता है कि अगर गलती से भी ये अचीव नहीं हुआ ना, ये जिंदगी भर मेरे को उसके ऊपर खींचेगा। क्या बोला था, क्या बोला था, ऐसा औकात नहीं गचने होगी, चुपचाप फेंकते रहता ऐसा। पर बेस्ट फ्रेंड को बोलो, क्योंकि उसकी बोली वाली चीज दिल को लगती नहीं है, ठीक है, पर वो याद दिलाते रहेगा जिंदगी भर। तो मैंने मेरा जो भी अचीवमेंट था ना, मेरे दोस्त को बोल के रखा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, तो मेक इट पब्लिक, पूरे फैमिली में चिपका दो, वो पूरे घर में है ना, तो पूरे भाई बहन मम्मी पापा सबको दिखना चाहिए इसको क्या चाहिए, और वो चीज उस तरीके से अनाउंसमेंट होना चाहिए वो चीज का। तो एक आधी चीज का अनाउंसमेंट होता है ना, इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के तारीख में सर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
पब्लिकली अशेम्ड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अगर इतना ही तुमको रिस्क लेने का है ना, जो तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है उसको बोल के दिखाओ ये करके बताता मैं, तो उसमें दम है ना। मेरे 12th के टाइम पे मैंने बहुत बार स्टोरी बताई वाली है, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट, कि 12th के टाइम पे ना मैं जिस कॉलेज में गया था, BMCC कॉलेज, ICSE, CBSE, इंग्लिश मीडियम में अकेला मराठी मीडियम और मेरा एक दोस्त प्रसाद, ऐसा आइसोलेटेड फील होता था, ऐसा डाउनग्रेडेड फील होता था। वहां पे एक हमारा दोस्त था गणेशन, वो लिटरली मेरे को ऐसा ट्रीट करता था कि आई डोंट बिलोंग देयर। द मोमेंट 12th में मैं उस कॉलेज का 10th टॉपर था और मेरा लिस्ट टाटा हॉल में वहां पे प्रॉपर नेम बोर्ड पे था ना, बाजब्ता मैं रिजल्ट का जेरोक्स लेके आया उसके मुंह पे फेंका, जो मोमेंट था ना वो ऐश करने वाला था। उसको बुलाया मैं कॉलेज, दोस्तों के सामने मेरा रिजल्ट उसके मुंह पे फेंका, देख ये औकात होती है, 10वां कॉलेज में तेरा नाम है इधर, नहीं दिख रहा ना तो बोल मत, क्योंकि वो मेरा जो अपमान हुआ था ना, वो जो मेरा डिसरिस्पेक्ट किया था ना, वो चीज़ मैंने लॉक करी थी। क्योंकि एक चीज अपने जिंदगी में जुनून बोल के आनी चाहिए, और चुपचाप सही किया मैं, कुछ भी नहीं, रिजल्ट के दिन पे उसको बताया, क्योंकि बाकी टाइम आवाज करके क्या मजा आता है, रिजल्ट जिस दिन आएगा ना उस दिन अपन मजा करेंगे। तो वो चीज के लिए जियो, एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो हर एक जन तुम्हारे लाइफ में, जो तुम पे ऊपर डाउट लिया रहेगा, हर एक को गलत प्रूफ करने का तुम्हारे पास मौका है, हर एक को गलत प्रूफ करने का मौका है, और उसको गलत प्रूफ करने में जो मजा है ना वो किधर भी नहीं है। पैसा बहुत कमा लो पर सुकून उसी मोमेंट में मिलता है जिस दिन तुम्हारे बारे में जो गलत सोचता है उसको गलत प्रूफ कर देते हो, वो गलत प्रूफ करके बताओ उसको, फिर तुमको मजा आएगा। तो ये चीज है, मेक योर माइलस्टोन्स, अचीव करो, ये सब चीजों का बनाए रखो कि इमेज कैसा रहेगा, और ड्रीम्स बनाओ। मैं वैसे बोला ना बकेट लिस्ट, एक बोलो जो तुमको पॉसिबल है कि ये अपने तरफ से हो सकता है, मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करके वो चीज का टारगेट रखो, जो भी है, जो भी है, एक टारगेट पापा को बोल के रखो, मम्मी को बोल के रखो, अगर मैं ये करके बताई, ये बताया तो मुझे ये चीज चाहिए, इस तरीके से चाहिए, और उस चीज के लिए फिर पूरा टाइम लगाओ, क्योंकि वही वो इंस्पिरेशनल है, वही तुम्हारा होगा। मुझे भी क्या मजा आएगा मैकबुक देने में, लैपटॉप देने में, तो वो चीज रखो ना भाई, कि एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उस चीज के लिए रहेंगे। वो इमेजिनेशन इतना होना कि कभी की किसी दिन पे डाउन फील नहीं होना चाहिए, डाउन फील नहीं होना चाहिए। एंड जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग ऐसा होता है जो चीज तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसे ही कोटे के वहां पे एक गौशाला है, वहां पे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा गौधन हाथों से फर्स्ट टाइम दिया, जब देखा ना क्या मजा आता है, ऐसे 80 गाय इधर से ऐसा आती है और अपन जब खिलाते हैं तो वो क्या मजा आता है। फर्स्ट टाइम तुम्हारे हाथों से कभी डोनेट करके देखो तो जॉय ऑफ गिविंग में मजा आता है रादर देन हैविंग। तो ऐसा कुछ चीज बोलो कि तुम्हारे हाथों से कुछ इस चीज का होने वाला है, और एक वीडियो है, उस वीडियो को देख के ना मैंने आज तक, मतलब इससे ज्यादा मेरे को फील होए वाला वीडियो नहीं था ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे हैं पर वन ऑफ देम इज दिस। माँ देखा, इतने सालों बाद तेरे पापा को दिवाली याद आई। माँ ये मेरी तरफ से दिवाली का बोनस मिला था तो मैंने सोचा कि हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली बेटा, छोटा हो या बड़ा, इस दिवाली को तो जो मैं बोला था ना तुमको कि जॉय ऑफ गिविंग, उस एक मोमेंट याद रखो कि ऐसी चीज गिफ्ट देना अपने पेरेंट्स को कि वो चीज तो कभी खर्चा नहीं करेंगे और वो चीज को यूज भी ऐसा नहीं करेंगे, बट वो चीज का पिक्चराइजेशन रखो।
मैंने मम्मी को बोला था कि मॉल में तेरे को भेजूंगा, तेरे को जो खरीदना है खरीद, मेरा डेबिट कार्ड तेरे पास है, एक ही कंडीशन है, प्राइस टैग नहीं देखना है, दैट इज द ओनली कंडीशन, तेरे को जो भी पसंद आया शॉपिंग करना है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर झिकझिक करके खरीदा है यार, कोई भी चीज, किसी चीज को भी प्राइस पूछे, कम करे, ये करे, पसंद आए नहीं, क्यों करने का है यार? तुमको सिर्फ चीज पसंद आ रही, बस एक चीज होनी चाहिए, प्राइस टैग नहीं देखने का है, पेमेंट तेरा बेटा करेगा। मुंबई लेके गया सबसे बड़े मॉल में, तेरे को जो खरीदना है खरीद। तो वो मोमेंट मैंने ना पहले से ही ऐसा इमेजिन करके रखा था कि ये चीज मुझे करानी है मम्मी से। जॉय ऑफ गिविंग, पेरेंट, मेरे पापा कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, तिरुपति लेके गए फ्लाइट में सब पूरे फैमिली को। कोई भी चीज एक देखो कि ये चीज सपना साकार करने के लिए कुछ चीजें तुमको हासिल करनी पड़ेगी, और ये वन ऑफ द थिंग है। एजुकेशन इज द ओनली गेटवे इन योर हैंड, जो तुमको बिना पैसों से तुम ला सकते हो, तुम्हारे मेहनत से तुम कर सकते हो। तो भगवान ने मौका दिया है यार, मेहनत करने का टाइम भी दिया है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, एनकैश इट एंड गिव देम द मोमेंट ऑफ प्राइड। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीए फाइनल के टाइम पे जब जिस दिन रिजल्ट देखा ना, तो मैं वहीं पे बैठा था, मम्मी पापा ऐसा फील कर रहे थे कि वो सीए बने हैं, वो नाच रहे, इधर उधर से भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सबको बता रहे कि ये सीए बन गया, सीए बन गया, और मैं वहां पे एड़े जैसा बैठा हूँ। तो वो मोमेंट होता है कि तुमने क्या कमा के दिया है, क्या तुम्हारे पापा के पास पैसा नहीं, कि मम्मी के पास पैसा नहीं, उनके पास तो सब है, उन्होंने तो जिंदगी देख ली है। हाँ, तो तुम तो पैसे देके तो कुछ नहीं कर सकते, तो क्या देके खुश कर सकते हो? ये मोमेंट देके खुश कर सकते हो, प्राइड का मोमेंट है। जिंदगी में ऐसे सिर्फ 4-5 बार मौके आएंगे, 4-5 बार मौके आएंगे जो अब तुम तुम्हारे पेरेंट्स के नजरों में खुद के लिए प्राइड देखोगे। कब प्राइड देखेंगे? जब तुम्हारे बारे में वो किसी और को इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी दिन तुम्हारा रिजल्ट वो देख रहे हैं और वो गांव भर बता रहे हैं। ये प्राइड की मोमेंट की कमाई के लिए है, तुम्हारे 3 महीने सब चिल्लर है वो एक मोमेंट के पीछे, और उस दिन तुम तुम्हारे मम्मी पापा को रुलाओ और वो प्राइड वाले आंसू से रुलाओ, और तब मजा आएगा। उस चीज के लिए तो प्रिपेयर किए थे। तो वो चीज है ना, प्रॉपर पिक्चराइजेशन करके रखो और उस चीज के लिए पूरी मेहनत करो। मैं को भी देखने का कि कैसे नहीं होती वो चीज, 100% होना है। वो 3 महीने इसके लिए इतना डिटेल में सजाओ, इतना डिटेल में सजाओ ये पिक्चर को कि वो मिलना ही चाहिए अपने को। और किस चीज के लिए? तुम्हारे पास क्या है और काम ही क्या है? पढ़ना है, वही करने को बोल रहे हैं। तो और क्या है? इस चीज को एंजॉय करो, प्रोसेस को। मैं वही बोल रहा हूँ कि टॉर्चर मत करो, रात में जग के, दिन में ये करके वो करके, टॉर्चर करके नहीं मिलने वाला, एंजॉय करके मिलने वाला, आराम से गो विद द फ्लो विदाउट एनी ये सब चीजें। और डिप्रेशन वगैरह, एक्स्ट्रा एक्सेसिव टारगेट्स, इससे नहीं रखने का है, जो अपने से होता है वही करते रहने का है। टारगेट इसके लिए अचीव रखने का है क्योंकि तुम बीच में से स्लो नहीं पढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज ये सब चीजों के मार्क्स मैटर नहीं करते, उससे तुमको सिर्फ पढ़ाई करने का, लिखने का ये मिलता है, वो चीज के लिए करना है। सो सीए इंटर रिजल्ट डे, मेक श्योर दैट इज 2024 बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये सबसे बेस्ट डे रहेगा तुम्हारा, रिजल्ट डे। और उस एक दिन को बेस्ट बनाने के लिए 6 महीने से मर मर कर रहे, और 3 महीने और कुत्ते के जैसे जलाने वाले हैं, बट सिर्फ वो एक दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, एंड वो एक दिन तुम्हारी लाइफ टाइम आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, लाइफ टाइम आइडेंटिटी। क्योंकि तुम्हारा जब भी रेज्यूमे बनेगा, बायोडेटा बनेगा, ये 5 लाइन ही रहने वाले हैं। अरे 5वें लाइन में कि तुम 4थी लाइन फील कर रहे हो, और ये तुम्हारा एक लाइफ का लास्ट बट वन एग्जाम है, सेमीफाइनल से खेलो भी ऐसा नॉकआउट के जैसा, और हर एक को प्रूफ करो, जिसने तुमको बेइज्जत किया, जिसने तुमको कम समझा है, हर एक चीज को याद रखो, और वो अचीव करने के लिए सब चीजें लगा दो। बाकी कुछ मैटर नहीं करता है तुमको यहां से 3 महीने, मन नहीं हो रहा ये बात ही दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा भाई? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन इज दैट कि 6 महीने क्या दिया ही? तो क्यों? ये ताना सुनने का है क्या? जो बड़ा बन के सीए बनने को निकला, बना नहीं, बड़ी बातें बते, ऐसा क्यों भाई? लोगों को ये बोलने का मौका ही मत दो, हर एक चीज उस तरीके से ये करो। एंड
पूरे 3 महीने में एक चीज याद रखना, प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू, प्रॉब्लम इज इन यू। कोई भी चीज को गलतियों में कन्वर्ट करके दूसरों पे थोपने से ज्यादा पहले ये देखो कि इसको चीज को मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। रादर देन डिस्कसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, मेक श्योर यू डिस्कस ऑन योर सॉल्यूशंस। थक गए, ये हो गए, वो हो गए, जब मंजिल सामने आती है ना, टूटे वाले हौसले भी जुड़ जाते हैं। तो वही तो है, मंजिल इतनी सामने बताओ कि हौसला टूटना ही नहीं चाहिए। इतना क्लियर कट पाथ दिखना चाहिए, इस तारीख को ये खत्म तो ये खत्म, इस तारीख को ये रिविजन होगा तो ये होगा ही होगा, और उस तरीके से ही मेरा रिजल्ट आएगा, उस तरीके से ही वो चीज बनेगी। मेक श्योर द लाइफ कंट्रोल इज इन योर हैंड एंड यू राइड इट, अदरवाइज लाइफ जब तुमको राइड कराएगी ना, मजा नहीं, सजा फील होगी। सो कीप दैट नॉट इन योर हैंड एंड मेक श्योर कि तुम इस रथ के सारथी बनो, ड्राइवर नहीं, सारथी बनना है। तो ये सब पॉसिबल होगा अगर इज्जत से जिस लेवल पे बोला है उस टाइम पे पास हो गए। तो घर पे जाके पहला काम नाम लिखना है, CA लगा के मार्क्स लिखने का है, और वही सब जगह चिपकाने का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दैट्स इट, 3 मंथ्स काउंटडाउन शुरू। यहां से रिवर्स डे कैलकुलेट करो, 3rd में से कितने दिन बचते कैलकुलेट करो, एवरी डे कट करो, एंड एवरी डे मैंने तुमको 24 मार्च तक का क्या टारगेट दिया है, एवरी डे इज योर 12 मार्क्स, एवरी डे इज योर 12 मार्क्स। मेक श्योर कि ये 12 मार्क्स मिनिमम अपन हासिल करेंगे हर रोज, हर रोज, और ये डबलिंग होते जाएंगे बाद में। हर रोज इज 24 मार्क, हर रोज इज 50 मार्क्स, तो 12 मार्क का ही पढ़ना है और टारगेट वही है, उसके साथ आगे बढ़ना है। ओके, करेंगे। अब देखेंगे अपन रिजल्ट के दिन पे, ये जो चीज अभी बोला है ना, घर पे जाके लिखो पहले कि रिजल्ट डे मेरे को क्या चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, क्या होना है और कैसे सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेशन है ना, प्रॉपर बोलो, मस्त। आज खाना खाते समय डिनर के टाइम पे मम्मी पापा को सुनाओ कि पापा देखो रिजल्ट के दिन अपन ये करने वाले हैं, कैसा भी आओ फिर ये करने का है, और वही चीज आज बोल के प्रूफ करके बताने का। ठीक है, चले, विल स्टॉप इट हियर।